एक तरफा हो चुकी है और ट्रॉफी आ चुकी है हमारी, ये ट्रॉफी और हमारी ही रहेगी। देखो 100% देते हैं हम हर मैच में, और हम हर मैच में ये सोचते हैं कि जो अभी ये मैच है ना उसमें फोकस करके चलते हैं, नेक्स्ट मैच का जब आएगा तब उस पर फोकस करेंगे। आज के मैच फोकस था, जीता, अब कल का मैच होगा तब उस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस दिन ट्रॉफी अनरिवील हुई थी तो सेंटर स्टेज पे एलवीसी खड़ा था, एलवीसी नहीं उठाई थी आपने, वो सब क्लिप्स होगी, तो वो ट्रॉफी उसी दिन ही हमारी हो गई थी भाई, और फाइनल के बाद में फाइनल के बाद हमारी होगी भाई। स्टार्टिंग से देखा जा रहा है हरियाणा का एशियन में दबदबा कायम है, तो आखिरी तक वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी तक रहेगा ये। अच्छा, आपका टॉप कॉम्पिटिटर आप किसे मानते हैं, कौन सा टीम को कॉम्पिटिटर, कौन सी टीम को कॉम्पिटिटर मानते हैं? एक एक से टॉस कर लो, टॉस कर दो, लड़ो मत, चलो पूछो पूछो, आप पूछ लो आप पूछो। आज सबसे कम जो है स्कोर से जो है की आज आउट हुई है, और आपने भी जो है की इसमें जीता, आज क्या कहना चाहेंगे? यार हमारी टीम अच्छा खेली, बॉयज प्लेड वेल इंशाल्लाह, और क्या वो इंजाम उलग देखा है आपने, फील्डिंग को श्रेय देने का आज फील्डिंग बोलेंगे भाई की 5 विकेट भाई ले गया, ये आपको दिख नहीं रही यार, कैसे इनको दिखाओ, बोल दो इनको दिखाओ, पूरी टीम एज अ पूरी टीम, जितने प्लेयर खेलते हैं और जो प्लेयर बाहर भी बैठे होते हैं सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, एंड सब अपना 100% देते हैं, चाहे वो फील्ड पे हो, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो प्रोत्साहन बढ़ाने में हो, तो हर तरीके से सपोर्ट है, एंड उसकी वजह से टीम जीत रही है, एंड साथ साथ हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छे से टीम को आगे लेके चल रहे हैं, और कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई प्लेयर छोटा है या बड़ा है, हर प्लेयर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, और आई थिंक यही रीज़न है कि हमारी टीम अनडिफीटेबल है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि फिनाले नहीं, सबकी प्रैक्टिस ऑन टॉप है, किसी दिन मेरा दिन होगा, किसी दिन माही भाई का दिन होगा, किसी दिन विनय भाई का दिन होगा, किसी दिन और किसी का दिन होगा, तो वो दिन दिन की बात है, जिसका दिन होगा वो टीम को जितवाएगा, क्योंकि हमारी टीम के सारे प्लेयर मैच विनर्स है। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूं को शुरू से ही फैंस का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टीम का मनोबल बढ़ाता है या फिर बहुत बढ़ाता है भाई, हरियाणा को नहीं पूरे ईसीएल को एलविश भाई का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, 5 कैप्टन को एक तरफ कर दो, एलविश को एक तरफ, कह रहे हैं एलविश क्रिकेट लीग, एलविश क्रिकेट लीग सही कह रहे हैं उन्होंने, ये एलविश ईसीएल एलविश क्रिकेट लीग है, जितने भी आप टीआरपी देख लो, व्यूअरशिप देख लो, जितने जब हरियाणा के मैच आते हैं दोस गोज इन मिलियंस, और बाकी टीम के मतलब थाउजेंड्स में आ जाते हैं। बट आपने भी बोला था कि मैं एलिवेशन मुनावर को कॉल करूंगा कि वो पंजाब को हरा के ताकि हम सेमीफाइनल आ पाए, हरा तो दिया भाई हमने, हां अब मुनावर को हराने की बात नहीं क्या बोलते, जितने भी हमारे मीडिया वाली जो भी चीजें हुई है या जहाँ भी प्रमोशन की चीजें हुई है, एलविश भाई हर जगह पहुंचे हैं, उन्होंने पूरा ट्राई किया है इस लीग को बड़ा किया जाए, प्लेयर्स के साथ में उनके साथ में रहना, उनको चीयर अप करना, उन्होंने अपना 100% दिया इस लीग को भी, हमको भी, तो यही रीजन है कि इसलिए लोग ईसीएल को एलविश क्रिकेट लीग है। तो एलविश भाई की सेंचुरी कब देखने को मिलेगी सर? जल्दी नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट मैच में 100% दिखेगी, उन्हें बचा के रखा है फाइनल के लिए अपना। मेरे पास पहली बार ऐसे हुआ हरियाणा की टीम को क्रिकेट की तरफ से ज्यादा इतना इंटरेक्शन मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? चार मैच चारों कंसेक्यूटिव आप जीते हुए लगातार, क्रिकेट में हरियाणा टीम को इतना प्यार मिल रहा है यार, एक सिनोनिम वर्ड होता है हरियाणी हंटर्स, इक्वल टू अनस्टॉपेबल, इक्वल टू अनडिफीटेड, इक्वल टू चैंपियंस, मतलब ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस, यही रहेगा आगे थ्रू आउट द लीग, यही रहेगा और आने वाले सीजन में भी यही रहेगा भाई। कटारे भाई शायद आज खेलने वाले थे, मैं बैठ भाई कटारे भाई के ना थोड़ा सा शोल्डर में हल्की इंजरी है, वो फिर भी फील्ड में उतरे थे, बट उनको फिर थोड़ा लगा वापस आ गए। कल कटारे भाई मैच देखने भी आए थे, और जिस हिसाब से अनिल भाई की आज की बैटिंग देखी है, तो आने वाले दिन में दिखेगा कि अब सेंचुरी के आसपास और जिस हिसाब से बैटर होती जा रही है परफॉर्मेंस, बॉम्बे का अगर मैच छोड़ दे, आपने एलविश की बैटिंग देखी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं, बैटर नहीं है वो, जिस कैलिबर का बंदा है ना, जिस स्टेटस का वो बैट्समैन है, वो आंधी उतार देगा जिस दिन उसका दिन होगा ना। सच में अभिषेक भाई ने भी कहा था कि उनके टॉप हो गए जो कप्तान है, जितने भी उनके सबसे हाईएस्ट स्कोर हो गए अभिषेक के, तो उन्होंने कहा कि पर तोड़ सकते हैं, मतलब एलविश टीम पड़ी है गड्ढे में, अगर टॉप पे स्कोर भाई, मतलब कोई बात सेंसेस मत का, मतलब बैंगलोर ने किस्मत लिखवा दी, क्वालीफाई करना मुश्किल हो रहा है, वो ये बात बोल रहे हैं आज आज उनका बैंगलोर का वही हाल है कि आप इनको हरा दो, आप उनको हरा दो, हमारे इतना नेट रन रेट होगा, मतलब यार अपने दम पे कुछ लड़ो यार, ऐसे कि मतलब कब तक दूसरे कंधों पे तुम, आपने साथ दिया ना हर्ष को हरा के, उनको उनका साथ मिला, देखो हम प्रोफेशनल खेलते हैं, अगर हर्ष नहीं होता दोबारा फुकरा होता अभिषेक को, दोबारा ऐसे हराते हैं, सच्चे बता रहा हूं, ये तो इनकी किस्मत खराब बेचारी है हमारे सामने थे, हमारा फोकस हमारी गेम पे रहता है, हां हमारा भाई सेमीफाइनल और फाइनल में किसे देख रहे हो अपने भाई, मुंबई अच्छी खेल रही है वैसे, तो कोई हो कहीं से हो गट्टा
भाई लखनऊ का भी अच्छा था, लखनऊ भी बहुत अच्छा खेल रही है भाई। तो टॉप की तीन टीम तो यही है, क्वालिफाई भी कर चुकी तीनों। हां तो सेमीफाइनल तो मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ या मुंबई से, मुंबई हो तो और अच्छी बात है। आज की जीत का फैंस के लिए क्या संदेश है भाई? आज का मतलब मुझे दुख है इस बात का, आज हम इतनी जल्दी जीत गए, 8 ओवर में पूरा मैच खत्म हो गया, 8 ओवर पूरा मैच खत्म हो गया, 20 मिनट में पूरा मैच खत्म हो गया। तो जो बेचारे आए तो दो दो घंटे पहले वेट किया उन्होंने यार, वो लास्ट तक प्रेजेंटेशन तक भी एलवी शैलू से ला रहे थे, तो उनको वो पूरा वो कहता ना पैसा वसूल नहीं हो बेचारों का, उनको वो कोई नेक्स्ट मैच में पूरा पैसा वसूल करेगा। कशिश भाई आज 5 विकेट तो ले लिए, अब कशिश की अगली कशिश क्या है? अगली कशिश ये है, अगली कशिश भाई मुंबई में इसकी कल अनुराग से बात हो रही थी, तो कल अनुराग ने बोला कि वो अपने कॉम्पिटिटर मानते हैं मुंबई टीम को, मुनावर फारूकी की टीम को। तो हमने उनसे पूछा कि एलविश की टीम को नहीं मानते, दोनों ने बोला कि नहीं वो तो भाई है अपना। तो कल जो मैच आप करोगे वो भाईचारे में करोगे या वाकई मैच कॉम्पिटिटर ही करोगे? नहीं भाईचारे में ही करेंगे मैच, भाईचारे में रहोगे, भाईचारे में बुरा ना लगे। अनुराग अच्छा बाकी टीम खेले वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए खेले, आपकी टीम क्या सीरियस होकर खेल रही है? हम सिर्फ कप के लिए खेल रहे हैं, हमारी फोकस सिर्फ मछली का, हमारा कप है, उसके लेफ्ट कौन है अभिषेक है, राइट अनुराग है, फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा कट कर देना अगर यहाँ मैंने कुछ लीक कर दी तो मेरा अभी तो टॉप 15 में जो भी है जैसा भी है जो जहाँ पे आएगा बस अपना बेस्ट देगा। एक लास्ट के जिस हिसाब से टीम अच्छा खेले लेकिन उसका श्रेय कहीं ना कहीं कप्तान का, कप तो कोच को जाता है 100%। एक सेकंड आप आए क्योंकि जिस हिसाब से प्रैक्टिस कराई है और टीम भाई कोच ब्लॉग में फॉलो करने के हर एक खिलाड़ी को समझाते हुए थोड़ा सा बताया कि सेक्शन में क्या होता है, क्या फार्मूला, क्या चीज सिखाई जाती है जिसका रिजल्ट उससे भी बेटर मिल रहा है मैच में, कौन सा गुण मंत्र आप दे रहे हैं? मंत्र तो कुछ नहीं है, देखो प्रैक्टिस हम बहुत पहले से कर रहे हैं और लीग स्टार्ट होने से पहले भी हम 2-3 महीने प्रैक्टिस कर ही रहे थे, और जो हमारे को टॉप 11 बनाना था वो हम बहुत पहले बना चुके थे। कशिश भाई, रिबो भाई जो अब मतलब मुंबई से आए हुए हैं, उनको भी हमने टाइम से बुलाया लीग से 5-6 दिन पहले, हमने साथ में मिलकर भी प्रैक्टिस करी, ये लोग मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमें इतना पता था कि हमें एक बैट्समैन या 5 बैट्समैन के साथ नहीं जाना, हमें 10 के 10, 11 के 11 ऑलराउंडर चाहिए। हमारी टीम में स्क्वाड है 15 का और 15 के 15 ऑलराउंडर है। आप 11th वाले को ओपन भेजोगे वो भी मार के आएगा, 15th वाले को भी टीम में लेके ओपन भेजोगे वो भी मार के आएगा। तो हमारी सिर्फ फुल स्ट्रैटेजी एक थी कि फोकस ऑन ऑलराउंडर्स, नॉट बैटर्स, नॉट ओनली बॉलर्स, जितना ऑलराउंडर्स होंगे उतना हमारे लिए ठीक है। आज फील्डिंग के लिए जो है ना बड़ा अच्छा गुरुमंत्र आपने दिया है कि बड़ी कम जो है कि रन पे मेट दिया है, तो क्या आपने मतलब कुछ खास आज फील्डिंग तो क्या आज हमारे बॉलर बैठे हैं कशिश जी, इन्होंने कुछ किया आज तो जादू। हम भी देख रहे थे कि भाई थोड़ा जल्दी मतलब रैप अप हो गया, हम चाहते थे थोड़ा लंबा चले, 160-170 कम से कम जाए, हमें ही मजा आता है यार देखने में। हम भी इतनी दूर से 1 घंटा तो हम ट्रैवल करके आए बारिश में और इतनी जल्दी निपटा दिया, अब हम यहीं बैठेंगे 1 घंटा जब तक हमारा टाइम पूरा नहीं होता। हमारी उधर शिफाली भगत से ही बात उठी कहती यार क्या करो तुम इतनी जल्दी मैच वाइंड अप कर रहे हो, क्योंकि उनको शो लंबा खींचना पड़ता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही थी जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फोकस ऑन ऑलराउंडर्स, और हमारे वाइस कैप्टन बैठे माई भाई जो ऑन फील्ड सब कुछ देख रहे हैं अलवेश के साथ, इनको नॉलेज भी है क्रिकेटिंग सब कुछ है, तो हमें टेंशन नहीं है कि जो अंदर ग्राउंड में बैठे उन्हें बाहर से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, सफिशिएंट है लोग अंदर। माही भाई आपसे एक क्वेश्चन है, आप माही की तरह ही कोहली बैठे हैं बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन ये सवाल है कि आपको ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड लगा कि ये प्लेयर यार मेरे को लगा चल ऐसे खेलेगा चल आ जाएगा, बट आपको लगा कि ये कैसे खेलेगा इतना बढ़िया, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड है? अपोजिट टीम से नहीं, हमारी टीम में तो ऐसा कुछ है नहीं, सभी अच्छे प्लेयर हैं और हमेशा अच्छा खेलते हैं, हम खेलते आए हैं तब से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर नहीं है हमारी टीम में, सब बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इस बार तो आ रहा है कप भाई आपके पास।